एक बार की बात है, एक नगर में धनिया नाम का लालची बनिया रहता था। उसके पास मीठे पानी का एक कुआं था। वह अक्सर ही सीधे साधे लोगों को अपनी चतुराई से लूटा करता था। एक दिन सीधे ब्राह्मण ने कुएं को खरीदने की इच्छा जताई। बनिए को ब्राह्मण का प्रस्ताव पसंद आया। उसने मन में विचार किया, क्यों न कुएं के सारे ही लाभ उठाए जाएं। यह सोचकर बनिए ने वह कुआं उस ब्राह्मण को बेच दिया। अगले दिन ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने पहुंचा तो बनिया ने कहा, अरे ओ ब्राह्मण, रुको, तुम कुएं से पानी नहीं भर सकते। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मान्यवर, यह कुआं तो मैंने आपसे कल ही तो खरीदा था, अब इसका मालिक तो मैं हूँ, तो भला मैं स्वयं कुएं से पानी क्यों नहीं भर सकता। ब्राह्मण की बात सुनकर बनिया बोला, याद है, कुआं तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तुमने मुझसे कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी तो मेरा है, तुम केवल कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। अगर तुम्हें कुएं से पानी चाहिए है तो एक बाल्टी पानी के लिए 50 रुपए लगेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने सारी बात पर ध्यान से सुनते हुए बनिया को बुलाया और पूछा, क्यों भाई बनिए, जब ब्राह्मण ने तुमसे कुआं खरीद लिया तो फिर तुम कैसे मालिक हुए कुएं के। राजा की बात सुनकर बनिया बोला, ब्राह्मण ही कुएं का मालिक है महाराज, लेकिन ब्राह्मण ने मुझसे केवल कुआं खरीदा है, उस कुएं का पानी का मालिक तो मैं ही हूँ। राजा बनिया की बेईमानी को समझ गया। उसने बनिए से पूछा, वह कुआं तो ब्राह्मण का है ना, और उस कुएं का पानी आपका है। राजा की बात सुनकर बनिया बड़ा खुश हुआ और खुश होकर बोला, जी महाराज। अब राजा बोले, जब कुआं ब्राह्मण ने खरीद लिया और कुएं का मालिक जब ब्राह्मण है, तो आपने अपना पानी ब्राह्मण के कुएं में क्यों रखा हुआ है। आप अपना सारा पानी वहां से निकाल लें। जब तक पानी की एक भी बूंद उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन किराए के तौर पर 50 रुपए देने होंगे। राजा का न्याय सुनकर बनिया बिल्कुल हक्का पक्का रह गया और ब्राह्मण राजा के न्याय से खुश हो गया। अब बनिया को राजा की बात समझ आ गई। वह समझ गया कि उसकी बेईमानी अब राजा के सामने खुल गई है। अब बनिया राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ऐसा अपराध किया है, और मैं भविष्य में ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बनिए की बात सुनकर राजा बोला, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा किसी को इस तरह परेशान किया तो कारागार में डाल दूंगा। राजा के न्याय से ब्राह्मण को न्याय मिला। ब्राह्मण राजा की जय जयकार करता हुआ महल से बाहर अपने घर आ गया।